और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिवंगत मंत्री सुशील मोदी के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और सांत्वना दी है। सामने जहां सुशील मोदी की पत्नी को पत्नी का उन्होंने ढांढस बढ़ाया और कहा कि सुशील मोदी से पारिवारिक रिश्ता था, तो सुशील मोदी की आवास पर तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया, चाहे उप मुख्यमंत्री रहते सरकार में या विपक्ष में, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। बीजेपी को अगर किसी ने खड़ा किया बिहार में, तो सबसे बड़ी भूमिका सुशील मोदी जी की है। और उनके जाने के बाद पार्टी को तो क्षति है ही, लेकिन पूरे बिहार में राजनीतिक रूप से क्षति हुई है। तो हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ इस दुख के घड़ी में है। और हम लोग जो है आज आए थे, श्रद्धांजलि आज हम लोग ने दिया है और परिवार के लोग। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ गए हैं। देखिए इंद्रजीत, सुशील मोदी के आवास पर तेजस्वी यादव पहुंचे, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी का ढांढस भी बढ़ाया है। क्या कुछ खास तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली? जी बिल्कुल शिखा, देखिए आपसे थोड़ी ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिवंगत नेता सुशील मोदी के परिवार से मिलने उनके आवास गए थे, जहां उनके चित्र पर जो है तेजस्वी यादव ने माल्यार्पण भी किया है। और वही जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है और उनके जाने से बिहार ही नहीं, हम लोगों को भी क्षति पहुंची है। शिखा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुशील मोदी से पारिवारिक रिश्ता था, तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही हैं।